नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूँ शाली पार्शा। आइए रुक करते हैं वैश्य समाज से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दो ट्रकों की टक्कर में 24 मजदूरों की मौत हो गई। घटना में कई मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। सभी मजदूर राजस्थान से आ रहे थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने घटना पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त कानपुर और कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य संपन्न कराने और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। औरैया के डीएम अभिषेक सिंह का कहना है कि ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य चल रहा है और गंभीर रूप से घायल लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो उतनी देर में रुके हम लोग, उतनी देर बाद एक दूसरा वाहन आया तो हम लोग को टक्कर मारा, तो हम लोग जो हम लोग को वाहन था वो खाई में गिर गया। हमारी गाड़ी चाय पानी के लिए खड़ी कर ली हमने, तो इनकी पीछे से आई फुल स्पीड में। पता नहीं इन्हें तो सीधा जाना था हमारी बगल में, इनने काटी ना काटी और सीधा गई घलाई, तो हमारी खाई में गिरी। इनकी भी गाड़ी और हमारी दोनों गाड़ी। गया कोविड-19 वैश्विक कोरोना महामारी से बचाव व सुरक्षा के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिहारवासी जो भारत के अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं, लॉकडाउन होने के बाद उन सभी लोगों को संबंधित कंपनी एजेंसी द्वारा खाना देना बंद कर दिया गया। संबंधित कंपनियां भी बंद हो गई, साथ ही उन्हें अपने घर वापस जाने को बोल दिया गया है। आज जिलाधिकारी गया अभिषेक सिंह द्वारा निमचक बथानी अनुमंडल अंतर्गत सभी क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार उपस्थित थे। गया बिहार प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारिणी सदस्य राजू बरनवाल जी ने सम्मानित जिला प्रशासन के लोगों को 200 पैकेट सूखा राशन जिले के विभिन्न स्थलों पर जरूरतमंद के बीच वितरण करने के लिए दिया गया, जो प्रत्येक पैकेट 5-5 किलो का है। बरनवाल जी ने कहा कि कोरोना के रूप में धरती पर अवतरित यह वायरस आज सर्वव्यापी हो चुका है, जो मानव जाति के लिए खतरे का संकेत है। अगर इस आपदा व विपदा की घड़ी में हम लोग साथ हैं। राजू बरनवाल जी ने गया शहरवासियों से आग्रह कर कहा कि आप लॉकडाउन का पालन करें, आप सुरक्षित रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा जिला बिहार और देश सुरक्षित रहेगा। वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। धन्यवाद।